प्रशांत विहार में मिठाई की दुकान के पास हुए धमाके को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रशांत विहार में 40 दिनों के अंदर 2 बार धमाके हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था से केंद्र सरकार बेखबर है। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे तौर पर केंद्र की गृह मंत्रालय की होती है। दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम मूलभूत सुविधाओं को दिल्ली सरकार के ने दुरुस्त किया है। कि दिल्ली में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इन्होंने अपराध की राजधानी बना दिया पूरी दिल्ली को। अपराध इनसे रुके नहीं, रंगदारी बढ़ने लगी, रंगदारी नहीं रुक रही इनसे। उसके बाद में ड्रग्स का पूरा साम्राज्य, जितनी बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है उससे साफ दिख रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का माफिया दिल्ली में काम कर रहा है। लेकिन अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, देश के गृहमंत्री, किसी को चिंता नहीं है इस बात की कि दिल्ली में हो क्या रहा है। 40 दिन पहले एक ब्लास्ट होता है, अभी उसके बारे में पता ही नहीं चला क्या हुआ है, तब तक दूसरा ब्लास्ट हो गया। अभी तक क्या बताएंगे? अभी तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है, मीडिया में चल रहा था कुछ पाउडर मिला है, कुछ मिला है, तो व्हाइट पाउडर मिला है, तो ये हो क्या रहा है? कहाँ फेल हो गए? मतलब देश की राजधानी में ये हो रहा है, देश की राजधानी में रहने वाला आदमी सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित होगा आदमी? इसको लेके गृहमंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसकी, और अगर उनसे नहीं संभल रहा तो फिर किसी और को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। देश की राजधानी सुरक्षा मांग रही है, देश की राजधानी अब ब्लास्ट के साए में नहीं जीना चाहती है, रंगदारी के साए में जी रही है, ड्रग माफिया के साए में जी रही है, अपराधियों के साए में जी रही है, और ब्लास्ट के साए में भी हम लोग जियेंगे। भारत सरकार को, गृहमंत्री जी को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ, ये एक फेलियर है।